नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टिर उपाध्याय। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बड़े बड़े कदम उठा रही हैं और देश भर में सतर्कता बरतने के लिए अभियान चलाकर लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, तो वही दूसरी तरफ इंसानियत को ताक पर रखकर कुछ लोग सैनिटाइजर और मास्क की धड़ल्ले से काला बाजारी कर रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब हर किसी को मदद की जरूरत है। मगर अब सैनिटाइजर और मास्क के नाम पर गोरख धंधा करने वाले ऐसे लोगों पर सरकार भी सख्त हो गई है। दरअसल देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी पर सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने उनके दाम तय कर दिए हैं। इस बात की जानकारी खुद उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने दी है। अपने ट्विटर अकाउंट पर पासवान ने लिखा है कि कोरोना वायरस के फैलने के बाद से बाजार में विभिन्न फेस मास्क, इसके निर्माण में लगने वाली विभिन्न सामग्री और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इनकी कीमतें तय कर दी है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी। 2 प्लाई मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपए प्रति मास्क और 3 प्लाई की कीमत 10 रुपए प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी। पासवान ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि हैंड सैनिटाइजर की 200 ml बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपए से अधिक नहीं होगी। अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। आपको बता दें कि सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आमतौर पर 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करती है। हाल ही में इसमें चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क और हैंड सैनिटाइजर को भी जोड़ दिया गया है। अगर ऐसे में किसी ने मनमाने दाम पर मास्क या सैनिटाइजर बेचने की कोशिश की तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में जिन चीजों को शामिल किया गया है, सरकार उन चीजों का उत्पादन, बिक्री, दाम, आपूर्ति और विवरण को नियंत्रण करती है। इस कानून में मनमाने दाम पर बेचने, जमाखोरी या कालाबाजारी की स्थिति में 7 साल तक की जेल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है कि वो राज्यों को स्टॉक लिमिट तय करने और जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए कहे, ताकि चीजों की आपूर्ति प्रभावित ना हो और दाम भी मुनासिब रहे। इसलिए अगर आपसे कोई भी मास्क या सैनिटाइजर का ज्यादा दाम वसूलता है या जमाखोरी करता है तो आप इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4000 पर कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत www.consumerhelpline.gov.in पर भी कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।